हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है बेबी के सर को हम लोग गोल किस तरह से बना के रखें, किस तरह से बेबी के सर का हम लोग केयर करें ताकि बेबी का सर गोल बना रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले रेड बटन दबाकर, और साथ में घंटी के बटन को भी दबा ले ताकि आपका नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अपलोड होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, जब बेबी नया नया पैदा होता है तो बहुत वो काफी सोता है। अगर आप गौर किए होंगे तो 18 से 20 घंटे तक वो सोता ही रहता है, जिससे होता क्या है कि बेबी का जो सर होता है वो फ्लैट होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि वो बेबी इतना छोटा होता है कि वो अपने से सर भी हिला इस तरह से नहीं ला सकता है। तो जिस पोजीशन में आप उसको सुला देंगे वो उसी पोजीशन में सोया रहता है। तो ज़्यादा देर तक सोने से वो क्या होता है कि जो बेबी का जो शरीर होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। उसका जो हर जो चाहे वो हड्डी हो उसका क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वहाँ पे वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। तो जिस भी पोजिशन में बेबी ज़्यादा देर तक सोया रहेगा तो वो चीज़ क्या होगा, चपटा हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा। अगर बेबी सीधा लेटा हुआ है तो ये पीछे वाला पोर्शन क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। अगर वो इधर सोया होता है करवट से तो इधर का फ्लैट चपटा हो जाता है, इधर का पोर्शन क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। अगर यदि इस करवट में सोता है तो इधर का पोर्शन क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। तो आपके बेबी के साथ भी ऐसा ना हो तो आप ये छोटे से घरेलू उपाय करके आप इसको मतलब दूर कर सकते हैं, कि सर को फ्लैट होने से आप बचा सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में ही आप क्या कर सकते हैं, अपने बेबी के लिए जो मस्टर्ड सीड होता है, जिसे हम लोग सरसों बोलते हैं या फिर राई बोलते हैं, तो उसका हम लोग तकिया, जिसे हम लोग कुशन बोलते हैं, अगर बिल्कुल देहाती भाषा में बोले तो उसे हम लोग तकिया बोलते हैं। तो आप उसका तकिया बनाकर दे सकते हैं बेबी को, सरसों का तकिया। वो बनाना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आप ज्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा तकिया आप दे सकते हैं बनाकर, ज्यादा बड़ा नहीं। आप मस्टर्ड सीड कहीं भी मिल जाएगा आपको, इजीली मार्केट में किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाता है, तो आप वहां से खरीद कर अराउंड 1 kg में आपका तकिया आराम से बन जाएगा। तो आप उतना ही, जितना यूज है उतना आप खरीद सकते हैं, किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। आप उसको लाकर अपने बेबी के लिए आप स्टार्टिंग के दिनों में ही दे दें, मतलब जब बेबी होता है तो उसके 10 दिन मतलब 2-4 दिन बाद ही आप यूज कर रहे हैं तो काफी अच्छा होगा। बच्चे का सर फ्लैट होने का डर बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि जो सरसों होता है वो काफी पूरा इधर उधर रगड़ खाते रहता है, राउंड रहता है, तो बच्चे का सर जो होता है इस तरह से हिलते रहता है तो पूरा फ्लैट नहीं हो पाता है। आप क्या कर सकते हैं, जब बेबी किसी पोजिशन में बहुत देर तक सोया हुआ है तो आप उसके पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज करते रहे। आप देखें कि अगर 1 घंटे से आधे घंटे के बीच बच्चा सोया हुआ है किसी पोजीशन में, तो उसे सीधा सोया हुआ है तो उसे उसके सर को मतलब घुमा दे, मगर सीधा सोया है तो उसको करवट कर दे। फिर अगर दूसरे करवट से सोया हुआ है तो उसको दूसरे करवट में बदल दे, अगर करवट सोया हुआ है तो उसको सीधा कर दे। इस तरह से उसका पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज करते रहे, तो उससे भी क्या होता है, बच्चे का फ्लैट सर को फ्लैट होने से बच जाता है। क्योंकि एक पोजीशन में सोने से क्या होता है, उस पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसीलिए वो फ्लैट हो जाता है। तो अगर आप उसका टाइम टू टाइम पोजिशन भी चेंज कर देंगे तो आपके बच्चे का फ्लैट सर फ्लैट नहीं होगा। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप बच्चे को मालिश करें उसके सर को भी हल्का हल्का दबा दें। अगर इस तरह से हल्का हल्का चारों तरफ से बच्चे के सर को दबा दें, इससे भी क्या होता है, आपके बच्चे का सर का शेप क्या होगा, काफी गोलाई में होगा। क्योंकि कभी कभी देखते हैं किसी बच्चे का सर काफी एकदम लंबा टाइप का होता है, किसी का एकदम पूरा फ्लैट होता है, तो देखने में थोड़ा क्या होता है, भद्दा लगता है। तो आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो तो आप ये सारी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे का सर बिल्कुल गोल होगा। मैंने भी यही सारे टिप्स को फॉलो किया था, मैंने बिल्कुल अपने मतलब मैं खुद से अपना तो मतलब अपने बच्चे के लिए सरसों का तकिया बनाई थी। आप खुद भी अपने के लिए बना सकते हैं, सिंपल कॉटन के कपड़ा में आप उस सीड्स को भर के अब ऊपर से कवर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो आपके घर में कोई अगर लेडी है तो उससे भी बनवा सकती है, या फिर आस पड़ोस में भी कोई है तो आप उनसे कहकर बनवा सकती हैं। आज के वीडियो में बस
इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें।